अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम हेयर अगेन विथ अनदर वीडियो। सो ये है मेरा ब्यूटी बॉक्स, ये मुझे मेरी शादी पे मिला था। मुझे तकरीबन 2 ब्यूटी बॉक्सेस मिले थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम नॉट अ मेकअप लवर पर्सन, मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कुछ आपको स्टफ़ वहाँ उस साइड पे भी नज़र आ रहा होगा। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, हार्डली मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, वरना आई एम नॉट अ मेकअप लवर। सो दिस इज़ माई ब्यूटी बॉक्स। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मुझे शादी पे मेकअप में क्या क्या मिला था, तो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ माई मेकअप गाइज। इसमें से काफ़ी सारा कहीं और भी पड़ा हुआ है, तो मीन्स कि एक और ब्यूटी बॉक्स, एज आई टोल्ड यू कि मुझे 2 ब्यूटी बॉक्सेस मिले थे, बट आई एम नॉट अ मेकअप लवर, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ अपना एक ब्यूटी बॉक्स दिखा रही हूँ, जो मुझे मेरी मतलब मायके से मिला था। सो आई नो मैनी गर्ल्स हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आपको मेकअप मिलता है, आपको बाकी सारी एक्सेसरीज भी मिलती हैं। सो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला था। ये देखें, ये आई थिंक ब्रशेज हैं, इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट साइज के ब्रशेज हैं, इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज हैं फॉर द मेकअप, आई मेकअप, लिपस्टिक, एंड ये सारे इस बॉक्स में हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप उसकी पैकिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। ये है एक आई पेंसिल, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। Another pair of brushes. So these are the thing. ये भी बिल्कुल untouched है, मैंने बिल्कुल भी अभी use नहीं किया इसको. And another pair of brushes. काफ़ी सारे brushes मिले थे, I think they thought कि मैं सारा दिन makeup ही करती रहूँगी, but again मैंने उसमें से कुछ use किए हुए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, but hardly मैं इसमें से भी कुछ ज़्यादा use नहीं किया। एंड दिस इज़ द थिंग, ओके, ये है आई शेड। आई शेड के लिए यूज़ करते हैं, हाँ जी, आई शेड के लिए है एक। ये भी आपको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ ना, ये बिल्कुल अनटच होगा। मैंने ज़्यादातर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता मेकअप ज़्यादा करना। एंड दिस वन इज़ अ हाइलाइटर एंड ब्लश ऑन। Another eye shadows. So this is the another box I get from my parents. These are some cute, what should I say to them, puff powders, जिससे हम base वगैरह apply करते हैं। These are some lips, nail paints. मैं nail paint कभी लगाती नहीं हूँ, so ये भी ऐसे ही ज़ाया जाएंगे, मैं किसी को दे दूँगी, बेहतर है कोई जो use करते हैं वो लोग लगा लें। आई थिंक ये काजल है, आई थिंक सो इट इज़, हाँ जी, लिखा हुआ ही आप देख सकते हैं। हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते। सो अनदर थिंग विच आई गेट फ्रॉम इन माई मेकअप, दिस बेस हेल्प मी अलॉट, कि ये इतना अच्छा फाउंडेशन टाइप बेस है कि मैं ये ही लगा लूँ एंड देन आई अप्लाई लिपस्टिक एंड लिटिल आई शेडोज ऑन माई मेक ऑन माई आईज एंड इट्स डन। सो ये चीज़ें हैं, आई लव दिस स्किलफुल का ये एक फाउंडेशन बेस है, ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट मेकअप बॉक्स विच आई गेट फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई मेकअप जो मुझे मिला था। ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो मैंने इनको अपनी ड्रेसिंग टेबल पर इसी तरह से लगाया हुआ है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये फाउंडेशन भी देखा होगा, लिप बाम। नेल पेंट मैं यूज़ नहीं करती, तो इस ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही पड़ा हुआ, मैंने यूज़ नहीं किया। ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, 1, 2, 3, काफ़ी सारी एक और ब्यूटी बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप एक और मेरा ब्यूटी बॉक्स देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और होप अगर आपकी कोई मेमरीज हो रिलेटेड टू द ब्यूटी बॉक्स, वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा।